हेलो एवरीवन, और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी नहीं ठीक है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन है। तो मैं कभी लेट रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, कभी मैं करवट ले रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शायद तबीयत की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। और अभी तक मुझे फीवर था, अब हल्का हल्का सर्दी का भी असर लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत सोने की कोशिश कर रही हूँ बट मुझे नींद नहीं आ रही है। और सर भी भारी हो रहा है और मेरे सर और आँखों दोनों में दर्द है, तो मैं बार बार उठ के बैठ जाती हूँ। तो तबीयत ज़्यादा गड़बड़ होने की वजह से मुझे खांसी भी आ रही है। तो मेरी बेटी ने मुझे काढ़ा बना करके दिया है, तो मैं काढ़े को पी रही हूँ। काढ़े की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल के रखी है। उसको पीने के बाद मुझे कुछ राहत महसूस हो रही है। तो शाम के 6 बज गए हैं, तो मेरी बेटी आरती कर रही है, क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक सारा काम उसी ने संभाला हुआ है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, क्योंकि मेरी तो स्थिति ही नहीं है बिल्कुल भी कुछ करने की। जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा किचन में काम देख लिया था, उसके बाद मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तो आरती कर दी है और मैं दूर से ही बस कैमरे के द्वारा आरती को देख रही हूँ। और अब मैं आंगन में आके बैठ गई हूँ, क्योंकि थोड़ा भगवान के पास आके बैठ जाओ तो मन थोड़ा शांत हो जाता है और लगता है कि बीमारियाँ भी आपकी कुछ देर के लिए चली गई हैं। तो शाम की जब आरती हो रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा था, जैसे कि मैं किसी मंदिर के उद्यान में आकर के बैठ गई हूँ। मुझे इतनी शांति मिल रही थी। बेटी ने काढ़ा बना के दे दिया है, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पर मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा फीवर मुझे आ गया है। और कल तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो कोई वीडियो या ब्लॉग भी नहीं मैंने डाला। और जब मैं फ़ीवर चेक कराने गई तो 102 से, यानी 102.5 था, और ऑक्सीमीटर में भी कुछ थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक इंजेक्शन दिया और दवाई दी, और उसके बाद पूरी रात ऐसे ही लेटे रहे, तपते रहे। करीब 12 बजे थोड़ा सा बुखार उतर गया, तो पूरी रात मैं इसी रूम में लेटी रही, क्योंकि उस रूम में एसी लगा हुआ है। तो उधर मैं नहीं लेटी, क्योंकि बुखार बढ़ सकता था, क्योंकि कभी सर्दी कभी गर्मी लग रही थी। और आज से 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड सेकंड डोज लगवा करके आए हैं। तो पहले फीवर उनको आया, तो उनको 103 फीवर था, और उसके 2 दिन बाद मुझे आ गया है, और आज तो मेरे बेटे को भी फीवर आ गया है। तो अभी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और दवा लेके आएंगे, क्योंकि कल की दवा अब ख़त्म हो गई है। तो बस लास्ट डोज था वो दोपहर का, वो मैंने खा लिया। तो सुबह मॉर्निंग में कोई भी शूट नहीं हुआ, ना आज मैंने कोई स्टिचिंग की है, ना कोई क्राफ्ट का काम किया है, और ना ही कोई ब्लॉग शूट किया है, क्योंकि स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है। 3-4 दिन से तो हस्बैंड का स्वास्थ्य नहीं ठीक था, तो उसमें लगे थे। उसके बाद मेरी खुद की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि बिल्कुल भी बोल नहीं निकल रहा है और बात भी नहीं कर पा रहे। सारा का सारा काम मेरी बेटी कर रही है, उसके ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। सारा काम वही करती है। कल मॉर्निंग में तो खैर मैंने खाना बना लिया था, जैसे तैसे नाश्ता कर लिया, और दवा खा के मैं तुरंत ऐसे लेट गई हूँ और पूरा दिन पस्त पड़ी रही। उसके बाद जब 2 डोज खाने के बाद भी मुझे फीवर में नहीं आराम मिला, तब शाम को डॉक्टर के यहाँ गए, तो फीवर काफ़ी हाई था। तो डॉक्टर ने पूछा क्या वैक्सीनेशन करवाया है, मैंने कहा भी नहीं, क्योंकि इसमें वैक्सीनेशन के लिए स्पॉट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। यानी कि जितना जब भी चेक करो उस समय सारी बुकिंग आ रही है, और अभी तक हम लोगों का फर्स्ट डोज भी नहीं लगा। मेरे हस्बैंड के दोनों डोज लग चुके हैं, बट अभी ना मेरे लगा है, ना मेरी बेटी के, ना
बेटे के तीनों लोगों की सूझ नहीं लगा। तो आज मुझे थोड़ा सा बात करने में भी तकलीफ़ हो रही है और मेरा चेहरा पूरा रेड हो रहा है और मुझे लगता है शायद बीपी भी प्रॉब्लम कर रहा हो क्योंकि मुझे उलझन बहुत रही है। और जब मैं शूट कर रही हूँ इस समय तो आपसे बोलने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है और बीपी भी चेक कराएंगे क्योंकि उलझन बहुत ज़्यादा मुझे रही है और बात करने में मुझे अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा रुक जाती हूँ फिर बात कर। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तो आज सुबह से सारा काम मेरी बेटी ने किया है। आज मॉर्निंग में उसने, मैं उठी तो मैं तो चाय भी नहीं बना रही थी और चाय मेरे हस्बैंड ने बना दी। बंद कर दो, नहीं स्टिच उसकी आवाज़ आएगी डोर की, टीवी चल रहा उधर। तो चाय मेरे हस्बैंड ने बना ली और चाय मैंने पी ली। उसके बाद बेटी को मैंने उठाया तो बेटी उठी, झाड़ू पोछा और किचन में जो भी थोड़ा छोटा मोटा काम था सब उसने किया। उसके बाद उसने नहाया और भगवान मेरे हस्बैंड ने आज नहला दिए। तो सब्जी भी मेरे हस्बैंड ने काट के रख दी थी तो बस मैंने एक सब्जी को छोंक दिया। उसके बाद मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर बेटी बोली कि मम्मा आप रहने दो, मैं कर लूँगी। फिर सारा काम उसने किया, पूरा खाना बनाया है, नाश्ता कराया सबको। उसके बाद मेरे बेटे के इस समय पेपर चल रहे हैं तो वो मेरी बेटी ही बेटे को पढ़ाती है। तो सारी जितने भी पेपर हैं वो कराया, 10 बजे से उसका पेपर होता है। तो 10 बजे से उसका पेपर कराने के बाद आधा पौन घंटा जो भी लगता है, फिर पेपर करो सबमिट करो, उसके बाद ऐसा करते करते 11 बज जाता है। फिर जब वो उससे फ्री हुई तो उसने सबके लिए खाना बना सेक करके रखा। सब्जी सब्जी मैंने एक छोंक दी थी, फिर एक सब्ज़ी उसने और बना दी। तो मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी 15 की और उसने आलू टमाटर बना लिया क्योंकि कह रही मम्मा यही बना लेते हैं, मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, जो समझ में आए बना लूँ। उसने बना लिया। फिर उसके बाद उसकी क्लासेस थी तो फिर वो उसने अपनी क्लासेस अटेंड की। उसके बाद जब उससे फ्री हुई तो वैसे वो जब मैं रहती हूँ तो वो खाना खा लेती है जल्दी। आज उसको ऐसा हो गया कि खाने का टाइम ही नहीं मिला, उसने नाश्ता बस कर लिया था। उसके बाद उसने किचन पूरा क्लीन किया, सारे बर्तन को धोया क्योंकि इस समय मेरे यहाँ मेड नहीं लगी हुई है। मेड को मैंने हटा दिया है क्योंकि कुछ कारण था। तो सारे बर्तन उसने धोले। उसके बाद उसको करते करते ऐसे 3:30 बज गया। तो फिर उसने फिर खाना खाया, बोली मम्मा मुझे खाने की इच्छा नहीं थी काम की वजह से। तो हमने कहा बेटा आप खा लो। फिर उसके बाद उसने खाना खाया। फिर 4 बजे मेरे लिए चाय बनाई तो मैंने चाय पी। और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर उसने काढ़ा बनाया तो मुझे और मेरे बेटे को काढ़ा दिया, हम लोगों ने काढ़ा पिया। तो इस तरीके से आज मेरा पूरा रूटीन इस तरीके से रहा। और मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ी सी मैंने सब्जी छौंक दी थी क्योंकि मुझे खड़ा नहीं हो रहा था। और बाहर के जो कपड़े सूख गए थे तो वो मैं उतार के ले आई थी और वो मैंने घड़ी करके तहा के रख दिए थे क्योंकि अभी बेटी की इतनी आदत नहीं है काम करने की क्योंकि वो पढ़ाई में इन्वॉल्व रहती है तो उसको टाइम नहीं ज़्यादा मिलता है। तो और मैं भी उससे इतना वर्क भी नहीं कराती हूँ तो उसकी हैबिट नहीं है। तो जब वो ऐसा कभी करती है तो बहुत ज़्यादा थक जाती है क्योंकि एक तो माइंडली काम है और फिर थोड़ा फिजिकल भी, क्योंकि वो बेटे को भी पढ़ाती है और उसके पेपर दिलवाती है, फिर वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती है क्योंकि उसके भी पेपर आने वाले हैं तो वो उसकी भी प्रिपरेशन करती है। तो इस चक्कर में वो कभी कभी जो है घर के कामों पे नहीं ध्यान देती और मैं भी नहीं करती। इसका जो मन होता है तो वो थोड़ा बहुत कर लेती है, बाकी मैं इतना यानी सुबह का काम ये रहता है कि जब मैं ठीक रहती हूँ तो झाड़ू मैं लगा देती हूँ, तो पोछा यानी कि मॉपिंग वो कर देती है और बाकी के काम मैं कर लेती हूँ। बाकी सारे काम मैं ही करती हूँ। कभी कभार जब उसका मूड नहीं होता है या कोई उसकी प्रॉब्लम होती है तो मैं लगा देती हूँ, मॉपिंग कर देती हूँ, बाकी सारे काम तो मैं करती करती हूँ। तो टाइम हो रहा है डॉक्टर के यहाँ जाने का, तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के यहाँ क्योंकि 6 बज चुका है और डॉक्टर साहब भी आ जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुँच गए हैं।
और अंदर एक दो पेशेंट्स हैं और मैं आकर के अंदर बैठ गई हूँ। तो मैं अंदर आके बैठ गई हूँ, उसके बाद सारे पेशेंट चले गए हैं और देखिए काफ़ी सन्नाटा है। तो ये रखी है मशीन और ये है वहाँ का कंपाउंडर और ये दवा निकाल रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मशीन के द्वारा मुझे स्टीम देंगे। तो पहले उन्होंने दवा को डाल दिया है और उसके बाद ये मेरे चेहरे पर लगा देंगे इस मास्क को। तो वो वाला मास्क मैं उतार करके इसको लगा लूँगी और स्टीम देंगे। तो स्टीम देने से होगा ये कि जो मेरे गले में प्रॉब्लम है थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि प्रॉब्लम बनी है लेकिन इससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो मैं मुंह खोल करके गहरी गहरी सांस ले करके स्टीम ले रही हूँ। स्टीम लेने का यही प्रोसेस है कि जितनी गहरी सांस आप लेते हैं उतनी जल्दी आपको आराम मिलता है। बीच बीच में मुझे खांसी भी आ रही है और काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बाहर ये मेरा बेटा बैठा है, इसको भी 100 बुखार आ गया है। तो ये बाहर इसको डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा देंगे। तो जब तक इंजेक्शन लगवाएगा और अपनी दवाइयाँ लेगा तब तक मुझे स्टीम लग जाएगी। कल मुझे भी इंजेक्शन लगा था क्योंकि मुझे 102 फीवर था, तो इंजेक्शन दिया था डॉक्टर साहब ने। आज स्टीम भी दे रहे हैं और इंजेक्शन भी लगाएंगे। इस प्रक्रिया में कम से कम 10 मिनट लगेगा क्योंकि जब तक दवाई पूरी आपके अंदर नहीं जाएगी तब तक ये मशीन चलती रहेगी। अब एक क्लिनिक पर एक दो पेशेंट्स आ गए हैं तो वो ये देख रहे हैं मुझे स्टीम लग रही है। क्योंकि जब स्टीम लगती है तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं। थोड़ा सा मुझे सर्दी जल्दी लग जाती है तो इसलिए मैं और भी स्टीम लगवाने की सोच रही थी कि इससे थोड़ा सा मेरा जो जकड़ा है वो कम हो जाएगा। हालांकि मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, बाई चांस की बात है मैं ठंडा पानी पी लूँ। तो स्टीम लगवाने के बाद मैं आ गई हूँ घर। तो मेरी बेटी खाने की तैयारी कर रही है, तो ये आटा उसने माड़ करके लोइयाँ काटती हैं तो वो लोई को देख रही है। तो ये छोटा बेटा आ गया चेक करने के लिए, कह रहा है देखते हैं परफेक्ट बनी है या नहीं। तो उसने उनको देख लिया है और पास भी कर दिया है, कह रहा ठीक ठीक बनी हुई है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।